दहेज मांगा तो पहले दूल्हे समेत उसके परिवार की पिटाई की गई और फिर बंधक बनाकर दूल्हे समेत उसके परिवार का सिर मुड़वा दिया गया। घटना लखनऊ की बताई गई है, जहां एक परिवार को दहेज मांगना खासा महंगा पड़ गया। परिवार ने लड़की पक्ष से बाइक और सोने की चेन की डिमांड रखी थी। डिमांड पूरी ना होने पर दूल्हे ने निकाह करने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए लड़की वालों ने पहले तो दूल्हे और उसके परिवार की पिटाई की और फिर बंधक बनाकर दूल्हे समेत परिवार के पुरुषों का सिर मुड़वा दिया। बताया जा रहा है कि निकाह के समय दोनों पक्षों के बीच दहेज को लेकर विवाद हुआ था। ये पहले हुआ महार बंधगा, महार बंधे बाद में कह रहे फिर से महार बंधो, ये बताया दोनों उसके बाद बता रहे वो गाड़ी वाड़ी की डिमांड वगैरह, गाड़ी वाड़ी की डिमांड पहले बात बता रहे धौकन पूर्वक मंगनी की है, मंगनी में कुछ नहीं मांगती है। जब 5 दिन शादी रह गए तो जंजीर खपाटा गाड़ी सब मांगी, और हम भैया इतनी मांग जांच का पूरा की है। तो मोहल्ला के सब कहें कि तुम मांग जांच जो दे थो खे ठीक है, और 30,000 की मेहर बंधा ली हो बिटेवा के दी। तो वही बोले बस वो दुल्हा जो है तो दुल्हा का भाई, और दुल्हा कहे चलो चलो बरा लेके चलो चलो चलो, वह भैया यही में गड़बड़ होगा।